भारत का जब संविधान बना तो भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान है वो नहीं किया गया। तो यहां आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, मूलतः ये चीज है वो आपके ध्यान में रहनी चाहिए। मूलतः का मतलब जब हमारा संविधान बना तो उस समय इस प्रकार के कोई भी प्रावधान है वो हमें भारतीय संविधान के अंतर्गत है वो देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन उसके बाद में जैसे इमरजेंसी इमरजेंसी में इंदिरा गांधी सरकार के माध्यम से एक समिति का गठन है वो किया गया, सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति है वो बनाई जाती है जो संविधान के अंतर्गत जो भी प्रावधान है उनकी समीक्षा करने का कार्य वो करती है। और इस समिति के माध्यम से अनुशंसा की गई, हालांकि समिति के सदस्यों में भी इस प्रकार की जो भी बातें थी उस पर विचार विमर्श रहा कि भाई कुल कितने मूल कर्तव्य हैं वो शामिल किए जाने चाहिए, कौन कौन सी बातें वो मूल कर्तव्य के अंतर्गत शामिल है वो की जानी चाहिए। लेकिन फिर अंततः ये तय हुआ कि भारतीय संविधान के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों को समाहित है वो किया जाएगा। तो इस समिति के माध्यम से जो रिपोर्ट दी गई कि 10 मूल कर्तव्य वो शामिल किए जाएंगे, इस प्रकार की अनुशंसा वो कर दी गई। उस अनुशंसा के आधार पर फिर हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत एक संविधान संशोधन किया गया, 42वां संविधान, संशोधन 1976। इस 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे संविधान के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्य में उनको शामिल कर लिया गया, जिनका उल्लेख है वो संविधान के 4 और अनुच्छेद 51 के, और यहां भी 4 के। नीति निर्देशक तत्व अपन पढ़ते हैं जहां निश्चित नीति निर्देशक तत्वों की समाप्ति होती है उसके तुरंत बाद में मूल कर्तव्य वो शामिल कर लिए गए, क्योंकि भाग 4 के अंतर्गत संविधान का भाग 4 उसमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, उसमें भाग 4 के जोड़ दिया गया। अनुच्छेद अपन 51 देखते हैं, 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख वो किया गया है, यहाँ 51 का वो जोड़ दिया गया और इनके अंतर्गत ये 10 मूल कर्तव्य वो शामिल किए गए। तो यहाँ कहने का मतलब जो भी हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है, अब प्रजातांत्रिक देशों के परिप्रेक्ष्य में यदि अपन देखें तो भारत है वो इस मामले में दूसरा देश था जहां मूल कर्तव्य हैं वह शामिल किए गए। जैसे पहले जापान के अंतर्गत इस प्रकार की स्थिति है वो हमें देखने को मिलती है कि जापान जो एक लोकतांत्रिक देश था, जापान के अंतर्गत और उसके बाद में भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य वो शामिल किए गए। अब अपन ये भी नहीं कह सकते कि भाई मूल कर्तव्य 1976 में शामिल किए गए तो क्या उससे पहले हमारे दायित्वों से संबंधित कोई चीज है वो हमारे भारतीय संविधान में नहीं थी, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान या भारतीय संविधान पर महात्मा गांधी का काफी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो महात्मा गांधी के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वो कही गई थी कि हम सिर्फ अकेले अधिकारों की बात नहीं कर सकते, हमें किसकी बात करनी पड़ेगी, दायित्वों की बात भी करनी पड़ेगी, कर्तव्यों की बात भी करनी पड़ेगी कि कर्तव्यों को निभाने में ही निभाने से ही हमें अधिकार है वो प्राप्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार की जब बात है वो कही गई
तो ये जो मूल कर्तव्य शामिल किए गए, इससे पहले जैसे हम अधिकारों की बात करते हैं तो अधिकारों में आपको जगह जगह इस प्रकार की बातें वो देखने को मिलेंगी जो भारतीय लोगों को अनेक दायित्वों से बांधती हैं। जैसे आप अधिकार की बात करते हैं, जैसे अपन अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो भी स्वतंत्रताएं वो प्रदान की गई हैं वो कहीं भी निर्बाध नहीं है। उनमें अनेक इस प्रकार की बातें वो आपको देखने को मिलेंगी, जैसे सदाचार की बात उसमें आ रही है, लोक हित की बात या लोक व्यवस्था की बात उसमें आ रही है, या न्यायिक अवमानना की बात उसमें आती है। कहने का मतलब पहले भी हमें जो अधिकार मिले हुए थे वो अनेक प्रकार के प्रतिबंधों से प्रतिबंधित थे, कि चाहे जिस प्रकार से भारत के जो भी नागरिक हैं वो अपने अधिकारों का उपभोग है वो नहीं कर सकते। लेकिन उस इसके बावजूद भी एक सुव्यवस्थित स्थिति है वो हमें भारतीय संविधान के अंतर्गत है वो मूल कर्तव्यों की देखने को नहीं मिलती है। तो इसके चलते संविधान के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के भाग 4 के और अनुच्छेद 51 के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों का प्रावधान है वो किया गया।